तो दूसरा रूट खोजते खोजते हम लोग को एक अर्थराइज्ड रूट मिला है जिसमें सिर्फ आर्मी के ही लोग एंटर कर सकते हैं, और हम लोग जो है तो उस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। नहीं, शांता मोरियल के थोड़े आगे रास्ते थे, फोटो क्लास है। बंद आया पहचानो कौन है, ध्यान से देखना कौन है। ये प्रभु जल्दी निकालो, शांता मेमोरियल थोड़े आगे है। कहाँ पे? केंद्रीय विद्यालय? नहीं, शांता मेमोरियल के थोड़े आगे रास्ते थे, फोटो क्लास है। बदमाशी, हाँ बदमाशी खाली होगा। चलो खाना खाओ, उसके से हम जा रहे हैं भैया को लेने। मैं हैंड वॉश कर, चलो। और मैं, तुम कपड़े बदलो, खाना खाओ, आराम करो, अभी डैडी भी आएंगे ना। नहीं, हाँ डैडी फोन किए हैं, अभी आ रहे हैं एक दो घंटे में डैडी। नहीं मुझे, जब तक भैया आएगा तब तक डैडी भी आ जाएंगे, समझा? मुझे अकेले नहीं रहना है। तो चलना तब भैया को लेने, और क्या, तो कपड़े तो बदल दो, चलो आओ खाना खाओ। फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं आर्मी एरिया जिधर फौज के सारे सैनिक वगैरह रहते हैं अपनी फैमिली को लेके, और हम लोग इधर इसलिए आए हैं क्योंकि मैं मुई को स्कूल से लेके आ रही थी, और आजकल डेली सुबह में 8 बजे और दोपहर में 2 बजे डेली ट्रेन जा रहा है, बहुत ट्रेन जा रहा है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग इतना बंद हो जा रहा है ना कि हम लोग का लेट हो जा रहा है। तो हम लोग दूसरा रूट जो है तो खोज रहे थे, तो दूसरा रूट खोजते खोजते हम लोग को एक अर्थराइज्ड रूट मिला है जिसमें सिर्फ आर्मी के ही लोग एंटर कर सकते हैं, और हम लोग जो है तो उस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं कि हम लोग भी जो है तो जब आर्मी एरिया के पास में ही रहते हैं तो हम लोग को भी एंट्री मिल जाती है। सॉरी लगी क्या बेटा? कहीं लगी? कमर में लगी क्या? भैया धंस गया है मेरा। सहला बात करते करते लग गई चोट इसके कमर में, झूले पे था ना ये। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा। तो वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो आर्मी एरिया होते हुए जब क्रॉसिंग नहीं पड़ती इधर में, लगभग आधा किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है ये, और जब आधा किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है हम लोग कहते हैं यार जाने दो, इतनी चिलचिलाती धूप में ना क्रॉसिंग के पास खड़े रहने से अच्छा है कि हम लोग जो है तो कंटिन्यू चलते रहे घर पहुँच जाए। सिर्फ आधे किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, ये आधा किलोमीटर ज़्यादा है, वो आधा किलोमीटर कम है, और ये मेरा मुँह ही है। झूलो अरे झूल लो, सहला ले बेटा, सहला ले, चोट लगी है ना मेरे से? नहीं, मेरे हाथ से इसके कमर में लग गई। अरे बस करो, ठीक हो गया। तुझे भूख नहीं लगती? हा? नहीं। अरे खा ले कुछ, खा ले, भूख बहुत कम लगती है। अरे मेरा बच्चा खाएगा तभी तो हेल्दी बनेगा। हाँ चले, आजा आजा खा ले। मम्मा, हाँ आज मेरी मैम ने जो पट्टी देखा ना, है तब डर गई। क्यों? क्योंकि मैम सोच रही थी कि विदिशा को फिर से चोट लग गया जैसे पहले चोट लगा था। है तो तुम बताई नहीं कि मैम कल फिर से उस पे चोट लग गया है, खेल रहे थे तो मैंने बोला था। है तो मैम ने क्या कि रास्ते पे गिर गई। है तो मैंने क्या कि नहीं, है वो खिलौना उसके ऊपर फेंक दिया। है रास्ते पे तो पहले दिन गिरी थी, फिर मैम क्या बोली? मैम ने बोला कि ना कि पहले एक बच्चे को कहो कि तुम दूसरे बेंच पे चले जाओ, मुझे इधर बैठने दो। तो मैंने कह दिया तो दूसरे बेंच पे चला गया। तो मैं जब बैठी तो इस पैर को इधर कर दिया सीधे, तो एक पैर को इधर। अच्छा, मैम ने बैठाया बेंच पे। पढ़ाई हुआ है? हाँ। क्या पढ़ाई हुआ है, क्या लिखी हो? आज उसी बर्थडे बॉय का फोटो खिंचाया और मम्मी और पापा के मोबाइल पर भेजेगा। अच्छा,
यही पढ़ाई हुआ है और लिखने में क्या हुआ है? लिखने में का खा गा घ कहाँ तक लिखी हो? मैं एक भी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी हो भाई? ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत बात है कि भैया तुम लिख नहीं रही हो, खाली ओरल चल रहा है तुम्हारा। लिखोगी नहीं तो फिर क्लास वन में कैसे जाओगी? क्लास वन में तुम्हारी मैडम तुमको पटक पटक के मारेंगी। मुझे उस क्लास में जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है तो किस क्लास में रहना है? पुटू क्लास। छी 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 छी। पुटू क्लास कौन सा होता है? आ जाओ ऊपर, तुम्हारे सिर के ऊपर स्पाइडरमैन है। हाय शाबाश, क्या बात है, सारा साफ कर दिए तुम अपने पैंट से। फूक दो फूक दो, फूक के उड़ा दो, इसको कहते हैं फूक के उड़ाना है। इधर देख बेटा, या मिस्टर मोहित जायसवाल, मिस्टर सोमेश जायसवाल, कैसा लगा पार्क? अच्छा है ना? तू खेल ले जी भर, बीरू को खाना खिला दिया है, डैडी को खाना दे दिया है, अब तू खेल ले जी भर, खेल के चल। भूख नहीं लगी है तुझे? बैग में कुछ पड़ा है तेरे? हाँ, क्या पड़ा है? नमकीन है, खाओगे? निकाल दें। हाँ ये पूरा। आय शाबाश, जियो मेरे शेर, आ जा, चला गया लगभग 25 मीटर डिस्टेंस। मोही ये ले अंगूर, पे ले अंगूर, ले ले तब जा, ये ले बेटा, इसके लिए अंगूर लेके आई हूँ कि रास्ते में दे देती हूँ, खा लेता है। अरे खाता चल ना रे बेटा, खाली खेलने को कह दो बस, इसे खाने को मत कहो। किधर जा रहा है? अंदर बैठने। पुल्ली एंजॉय कर लो, उसके बाद तब घर चलो ना। बीरू को खाना खिला दिया है, डैडी को खाना दे दिए, अब इनको खाना बाकी है। ये जो अपना पहले झूला झूल लेगा तब जाके खाएगा। भूख नहीं लगी है तुझे? नहीं। क्या बात करते हो यार, किस हाड़ मास के बने हुए हो, सुबह के 7:30 बजे के खाए हुए निकले हो, अपने हाथ से पता नहीं क्या खाते हो। खाते भी हो कि टिफिन में छोड़ देते हो? आ? खाते भी हो कि टिफिन में छोड़ देते हो? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत छू जाता है। नमकीन छोड़ा है? नमकीन रखा है, आज आलू भुजिया लेके आया था टिफिन में। खाना है? नहीं हमको नहीं खाना है। अंगूर खा ले। अच्छा, अपने पैरों से एक चक्कर कटा लेना है। हाँ हाँ, एक चक्कर कटा लेना है, उसके वजह से पैर उठा लेना है। उसके से बोलो करना है। हाँ नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा पहले गोल गोल कटा लेना है। अरे हमारा बच्चा ना, चल ना बेटा घरे चल ना, कितना खेलेगा? बहुत खेलूंगा। अब हम इस रास्ते ही भी नहीं करेंगे। तुम लोग को पार्क दिख जा रहा है तो आके खेलने लग रहे हो। हाँ तब रोज इधर से जब हम आएंगे तो तुम रोज इधर से पार्क में घुस जाओगे खेलने के लिए? रोज नहीं, कभी कभार। कभी कभार, चलो फिर अभी चलते हैं। हाँ और क्या, चलो कहीं से घूम के आए होंगे। हाँ लगता है कहीं से घूम के आए हैं। देखो ये यार, उसका आलू भुजिया खा ले, बचाया है। कहा है तुम आलू भुजिया खाए नहीं? क्यों भाई? लग रहा था। क्या चीज तीखा लग रहा था इसलिए। और यहाँ नहीं तीखा लग रहा है? स्कूल से आए हो लेकिन हाथ नहीं धुले, उसी हाथे खा रहे हो, अंडरस्टूड? वही चाट भी रहे हो। ए रोटी क्यों छोड़े हो? रोटी क्यों छोड़े हो? ओठ चूसे हो जी भर, निशान पड़ा है ओठ पे। हाँ। हम तुम्हारे मैडम से अब कहेंगे फिर दोबारा। झूठा है। झूठा नहीं है, हम तुम्हारे मैडम से कहेंगे। हाँ। मैं मुंह धोना ही भूल जाता हूँ।